हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता आप सबका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको स्प्रिंग रोल बना के दिखाऊंगी, इसके साथ में व्हाइट सॉस की भी रेसिपी बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे, उसमें 3 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसके साथ 2 स्लाइस्ड अनियन डाल देंगे। जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए भूनते भूनते, फिर इसमें चॉप्ड जिंजर गार्लिक डालेंगे। इसके साथ ही हमने 2 ग्रीन चिलीज भी डाल दी है चॉप्ड। थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें हमने सब्जियां अपनी डाल दी हैं, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, जिसे हमने श्रेड करके रखा हुआ था। इसे अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट भुनने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस डाल देंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम डाल देंगे। हम इसमें एक इंस्टेंट नूडल्स हमने बना के रखा हुआ है, इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और एंड में अच्छे से मिक्स होने के बाद 1 टीस्पून विनेगर डालकर गैस बंद कर देंगे। ठंडा होने के लिए प्लेट में फैला देंगे। आने के लिए एक बाउल लेंगे, उसमें 1 कप मैदा डालेंगे, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और पानी के साथ इसकी सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये डो हमारा तैयार हो गया, इसे 10 मिनट के लिए हम ढक के रेस्ट करने देंगे। व्हाइट चटनी की तैयारी करेंगे। एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें यहाँ हमने 3 छोटे आलू लिए, आप एक बड़े भी ले सकते हो। बॉयल्ड आलू डालेंगे, 2 टेबल स्पून मिल्क डालेंगे, इसके साथ ही 2 टेबल स्पून क्रीम भी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून शुगर डालेंगे। इसके बाद सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यहाँ हमने 1.5 टीस्पून लिया, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसे मिक्सर में चला लेंगे। ये हमारी देखिए कंसिस्टेंसी अभी थिक है, इसमें हमने 2 टेबल स्पून और मिल्क डालेंगे और फिर अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हमारी चटनी रेडी हो गई। हम आटे की तरफ चलेंगे, इसके हमें 10 इक्वल पार्ट्स में पेड़े बनाने हैं। और इसे पूड़ी की साइज में बेल लेंगे। इसके बाद एक पूड़ी लेंगे, उस पर तेल लगाएंगे, फिर आटा लगाएंगे, फिर एक पूड़ी। इस तरह हमें 5 पूड़ियाँ एक पर एक लगानी है, लास्ट वाली हमने तेल नहीं लगानी है 5वीं पूड़ी पे। अब इसे रोटी की साइज में बेल लेंगे और गरम तवे पे डाल देंगे। जब ये हल्का सिक जाए तो इसे पलट लेंगे। अब देखिए हमारे ऊपर से नीचे वाली परत छोड़ने लग गई है, इसे हम हल्के हाथों से निकाल लेंगे। इसके बाद दूसरी साइड से भी हमारी एक रोटी निकल आएगी। इसी तरह करके हम अपनी 5 रोटियां एक एक पलट पलट के निकालते जाएंगे। अब हम फिलिंग के इसमें करेंगे। एक सीट लेंगे, उस पर अपने मिक्सचर फैलाएंगे। ये हमने मैदे की स्लरी बना रखी है, पानी और मैदा घोल के इसे दोनों साइड से लगा के अच्छे से रोल कर लेंगे। साइड्स में अगर खुले रहते हैं तो इसे हम बंद कर लेंगे, थोड़ी सी स्लरी डाल देंगे जिससे ये चिपक जाए। इसी तरह हम अपने सारे सीट्स रोल कर लेंगे। ये हमारे सीड्स रोल हो गए, इसे हम आप रख सकते हो आधे घंटे तक फ्रिज में या फिर तुरंत फ्राई कर सकते हो। इस
स्प्रिंग रोल सिक्के तैयार हो गए, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसे हमने रेड चटनी और वाइट सॉस के साथ सर्व किया। रेड चटनी की रेसिपी के लिए आप हमारे मोमोज की रेसिपी में देख सकते हैं।